हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम गोडविन के बारे में, जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1756 से लेकर 1836। मैंने मेरे चैनल पर रोमांटिक एज की जो है राइटर सीरीज शुरू की हुई है, और आज हम विलियम गोडविन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने थॉमस होलक्रॉफ्ट, मैरी शैली, पी वी शैली, इन सब के बारे में पढ़ा। अगर आपने जो है वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर रोमांटिक एज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विलियम गोडविन है वो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं और नॉवलिस्ट हैं। बात करते हैं विलियम गोडविन के बारे में, तब तो हम ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विजनरी ग्रुप के मेंबर थे। और जो विजनरी ग्रुप था, इसके अलावा इसके जो मेंबर्स थे वो थे शैली, कीट्स, बायरन एंड गोडविन। और जो शैली हैं वो विलियम गोडविन के दामाद हैं, मतलब इनकी जो बेटी होती है उसके हस्बैंड हैं ये जो विलियम गोडविन हैं, इनकी शादी 1797 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से होती है। ये इनकी लव मैरिज होती है, और इस समय पर जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं। और जब ये शादी कर लेते हैं तो जो विलियम गोडविन हैं उनको लगता है कि उनको बेटा होगा, और वो यही सोच रखते हैं कि उन्हें बेटा होगा, और वो नाम भी सोच लेते हैं कि वो अपने बेटे का नाम विलियम रखेंगे। बट होता ये है कि उनको बेटी हो जाती है जिसका नाम होता है मैरी, मैरी नाम रखते हैं ये। और जो ये मैरी होती है ये सिर्फ उस समय 10 दिन की ही थी, तब इनकी माता मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जो है डेथ हो जाती है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। तो जो यहाँ है अब विलियम गोडविन के पास 2 बेटियाँ हैं, फैनी एंड मैरी। तो जो ये विलियम गोडविन हैं 3 साल तक इनके साथ रहते हैं, बट उसके बाद जो ये हैं इन्हें अपने किसी रिलेटिव की जो हैं उनके पास छोड़कर चले जाते हैं। बट इन्हें हमेशा ये डर सताया रहता है विलियम गोडविन को कि कहीं उनके बच्चे उन्हें भूल ना जाए, और वो उनकी केयर भी करते हैं, ये स्पष्ट उनकी बातों में दिखाई देता है। इनका जो मोस्ट फेमस सक्सेसफुल नॉवल था वो था, यहाँ पर भी आएगा, थिंग्स एज दे आर और कैलेब विलियम्स। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट किया गया है इंडिविजुअल को एज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी, और कंडेम्ड किया गया है पावर हंग्री गवर्नमेंट को। गोडविन का जो फर्स्ट कंप्लीटेड वर्क है वो था द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम पिट अर्ल ऑफ चैथम जो भी है ये, ठीक है आप देख लेना, द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम पिट अर्ल ऑफ चैथम। ये जो है 1783 तक इन्होंने जो है अपना ये वर्क फिनिश कर लिया था। और इन्होंने जो है गोडविन ने 3 अदर नॉवल लिखे थे, जिसमें से 2 पॉलिटिकल थे, एक वर्क अ वर्क ऑन एजुकेशन एंड अ स्पूफ ऑन द क्रिटिकल रिव्यूज़। बट इनसे ना उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ना ही ज़्यादा फेम मिलता है। ये ज़्यादा फेमस थोड़ा सा इन्हें तब होते हैं, इन्हें फेम तब प्राप्त होता है जब इनका जो ये वर्क है पब्लिश होता है, एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। और जो ये इनका जो पब्लिश होता है ये 1793 में अपीयर होता है, ये फिलोसफिकल एनार्किज्म है। और इस बुक में जो गोडविन है वो आर्ग्यू करते हैं दैट एज लॉन्ग एज पीपल एक्टेड रेशनली दे कुड लिव विदाउट लॉज और इंस्टीट्यूशन। और जो सबसे ज़्यादा फेमस नॉवल रहा वो था थिंग्स एज दे आर, ठीक है, जिसमें कि प्रेजेंट किया गया है इंडिविजुअल को एज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा इनके जो है, जब इनकी वाइफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की डेथ हो जाती है, ये दोबारा शादी भी करते हैं एक विडो से जिसका नाम होता है मिसिस क्लेयरमोंट। 1814 से लेकर 1822 तक जो है इनका जो लाइफ पीरियड है वो थोड़ा सा टर्मोइल में रहता है, क्योंकि इनकी जो बेटी होती है मैरी वो भाग जाती हैं, मैरी जो है पीबी शैली के साथ भाग जाती हैं। और जो शैली की पहली वाइफ गोडविन की स्टेप डॉटर होती हैं, ठीक है, जो ये है मैरी, ये तो विलियम गोडविन की बेटी हैं, पर जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की थी उनकी जो पहले से बेटी थी वो थी फैनी, वो होती हैं उसके जो है सुसाइड कर लेते हैं। और जो मैरी शैली है, बाद में मैरी शैली, इनके भी 3 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, इनके मिसकैरेजेस होते हैं। और
फिर बाद में पीबी शैली की जो है डेथ हो जाती है 1822 में। तो 1814 से लेकर 1822 तक विलियम गोडविन की लाइफ में ये सब तनाव जो है चलता रहा कि इनकी बेटी भाग जाती है, फिर वापस आते तो उसके 3 बच्चे मर जाते हैं, और जो फैनी भी है उसके बारे में भी लेकर ये बहुत परेशान रहते हैं। फिर भी जो है इन्होंने वर्क्स लिखे थे इस टाइम पर। इनका एक वर्क था पॉपुलेशन 1820 में, जो कि इन्होंने रिप्लाई किया था थॉमस मेल्टस को। इसके अलावा इनका जो फाइनल नोवल था डलोरेन, ये 1833 में अपीयर हुआ था, और इनका जो लास्ट वर्क था वो था थॉट्स ऑन मैन। थॉट्स ऑन मैन ये इनका लास्ट वर्क था। और जब एज हो जाती है इनकी 80 इयर्स की 1836 में, तो इनकी जो है डेथ हो जाती है। और यहाँ पर बात की गई है इनके फेमस नोवेल के बारे में, जो दो इनके फेमस नोवेल हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जो विलियम गोडविन है वो रोमांटिक एज के नोवलिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं और इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, और जिन जो कि मैरी शैली के फादर, पीबी शैली के फादर इन लॉ और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के हस्बैंड होते हैं। और जो ये हैं विलियम गोडविन, इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है थिंग्स एज दे आर। और इनके जो गोडविन के दो अनदर फेमस वर्क हैं वो हैं एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब दो होते हैं उसमें, एन अटैक ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड थिंग्स एज दे आर, ये तीन ये वर्क उनके फेमस होते हैं। और ये विजनरी ग्रुप के मेंबर होते हैं। इसके अलावा ये इनके वर्क्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सब जाना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।